यह साधना जब बतलाई गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये भी थे, बोले ये कृष्ण पृथ्वी पर चले गए हैं और सभी को सुख और दे रहे हैं, ये सब लोग कोई अपने को पूछेंगे नहीं। तो माता पार्वती ने भी कहा, शिव जी ने भी कहा, ब्रह्मा ने भी कहा, कोई ना कोई ऐसा कार्य करो यार, हम भी जाकर पृथ्वी तल पर रहेंगे, वो सुख हो, यहाँ रह के रोज की परेशानी, वो दैत्य आया, ये राक्षस आया, इसको देखते हुए अपन कहाँ परेशान बैठेंगे, चलो हम भी मथुरा जाएंगे। आप लगा के मथुरा जाएंगे तो कृष्ण देखेंगे जो अपनी ड्यूटी छोड़कर आए हैं, इनको किस तरह देना। ब्रह्मा अपनी ड्यूटी छोड़ दिया है, सरस्वती अपनी ड्यूटी छोड़ दी है, शिवजी पार्वती ड्यूटी छोड़कर अगर मथुरा आए हैं तो इसका काम, इसका कार्यक्रम क्या होना, वैसे भी तो गलियां खाना पड़ेगा, विष्णु है शायद साक्षात कृष्ण है। तो उन्होंने कहा, सब लोग वो प्रार्थना में बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु सभी को सुख शांति देते हो, पृथ्वी तल पर जाकर कृष्ण बनकर बैठे हो गोकुल में, हमारी स्थिति क्या, हम भी तो आनंद अनुभव करते रहते हैं, नहीं तो सारे हमारे पीछे सारे दैत्य पड़े हुए हैं, रोज कुछ ना कुछ पुकार के रहते हैं, हमारे को भी सुख देने का कोई ना कोई मार्ग चलो। तो श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए कहा, जो मंत्र मैंने गोपिकाओं को दिया है वही मंत्र आप भी करो, आप भी आनंद अनुभव करेंगे, ये मंत्र जहाँ भी रहा उस घर में आनंद ही आनंद होगा, ऐसा ब्रह्मा शिवजी और साक्षात पार्वती और सरस्वती माता ने भी यह मंत्र किया, ऐसा भागवत कहता है। आपको भी मैं वही मंत्र और वही स्तोत्र दे रहा हूँ, जो नित्य स्तोत्र का पाठ करेंगे और इस मंत्र को करेंगे वही संसार में उस कृष्ण भगवान के साथ घर में आनंद ही आनंद अनुभव करेंगे, किस प्रकार का दुख नहीं होगा। चाहे आप कहो कि मेरा स्वार्थ है या आपका परमार्थ है, क्यों कि मैं आप किसी छोटी चीजों के लिए मुझे फोन ना करें, इसलिए साधना आपको प्रदान कर रहा हूँ कि आप आनंद के साथ बैठे रहें। आज अभी 10 मिनट में आप वो साधना लेकर यहाँ आए, ये आनंद होगा, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। और आप, मैं जब भी 3 साल साधना के लिए जाऊं, चाहे आश्रमवासी हो, चाहे आप कहीं भी दूर नागपुर दिल्ली कश्मीर कहीं भी रहने वाले हो, आपके घर में किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। और ये साधना आप जरूर करें, उसके साथ एक स्तोत्र दे रहा हूं, उस स्तोत्र का पाठ आपके घर में करें। आपके घर में बच्चा नहीं पढ़ता है, दुख दे रहा है, तो वो सारे दुखों को मिटाने वाली यह साधना आप आपके जीवन में जरूर करें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप 10 मिनट में आए स्तोत्र मैं स्वयं पढ़ के बताऊंगा, जिसको स्वयं राधा ने गोपिकाओं को दिया था, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को दिया था, और अपने घर में सारे आनंद को प्राप्त करते हुए वो बैठे। आप अगर अपने जीवन में भौतिकता चाहते हैं, हर जीवन में हर प्रकार का सुख सौभाग्य चाहते हैं, जिस प्रकार कृष्ण के रहते मथुरा वृंदावन में आनंद रहा सभी के जीवन में, वही आनंद प्रदान करने की यह साधना आपको अभी तक दुर्लभ रही। पद्म पुराण में पहली बार यह साधना निकाल कर आपको दे रहा हूँ। जो साधक अपने जीवन में गुरु को कष्ट न पहुंचाते हुए जीवन में सुख सौभाग्य के साथ रहते हुए रहना चाहते हैं, वो जरूर इस साधना को संपन्न करें। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कहें, स्वामी स्वामी श्री श्री सच्चिदानंद सच्चिदानंद सद्गुरु सद्गुरु प्रियम प्रियम श्री श्री निखिलेश्वरानंद निखिलेश्वरानंद स्वामी स्वामी मम मम सद्गुरुं सद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरः महेश्वरः गुरुसाक्षात् गुरुसाक्षात् परब्रह्म परब्रह्म तस्मै श्री श्री गुरवे नमः गुरवे नमः। आपका बायां हाथ हृदय पर रखो, दायां हाथ सर पर रखो, दिखा लेते हो हृदय में बैठेंगे, कुर्सी की तल में बैठेंगे, गुरु मंत्र में पाठिस्तुन्नानु। ओम परमतत्वाय परमतत्वाय नारायणाय नारायणाय गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः नमः। ओम ओम परमतत्वाय परमतत्वाय नारायणाय नारायणाय गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः नमः। ओम ओम परमतत्वाय परमतत्वाय नारायणाय नारायणाय गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः नमः। चेतना मंत्र, ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्र ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। आप 5 बार गुरु मंत्र जब वैसा ही हाथ रखकर बोल लो, मन में 5 बार गुरु मंत्र बोल लो। Thank you.
अभी मैंने कल आप सभी लोगों से जिन्होंने 41 दिन की दीक्षा की है उन लोगों को मैंने गुटिकाएं प्रदान की है। इसके बाद उस गुटिकाओं को मैं लेकर उनको रक्षा की दीक्षा प्रदान करूंगा। रक्षा दीक्षा के बाद इस आज की साधना का उपक्रम होगा। साधना में मैं आपको पहले से भी बता दिया हूँ कि यह साधना वह साधना है तुम्हारे जीवन की दरिद्रता को मिटा देती। दरिद्रता का अर्थ होता है अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य करते समय हमारे जीवन में अड़चन आए उसे दरिद्रता कहा गया है। कोई देवता का कार्य, कोई गुरु कार्य, कोई शुभ कार्य कर रहे हैं तब अभी हमारे जीवन में एक प्रकार की अड़चन निर्माण हो उसे दरिद्रता कहा गया है। तो उस दरिद्रता को हम न पाने के लिए और हमारे जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए शक्ति सामर्थ्य हो, हम गुरु कार्य करते समय बीमार ना पड़े या हमारे घर में कोई ऐसा चिंता, ऐसी कृष्ण की स्थापना की है साधना आपको मैं दे रहा हूँ। पहले मैं साधना में क्या मंत्र है वो मंत्र बोलता हूँ, मेरे साथ 3 बार उच्चारण करें। इससे पहले कि आपके सामने जो साधना सामग्री दी गई है रेशमी वस्त्र पर उन सारी साधना सामग्री को आप रख दीजिए। साधना सामग्री को आप रेशमी वस्त्र पर रखिए। पट्टु वस्त्रम पहना ये साधना सामग्री नहीं पिटंडी। इस साधना में पुरुष सफेद वस्त्रों को धारण करें और स्त्रियां हरे वस्त्रों को धारण करके करना अच्छा कहा गया है। इस साधना के बारे में राधा गोपिकाओं से कहती है कि हे गोपी के, इस साधना में मैंने जो कृष्ण का यह यंत्र या कवच दिया है जो धारण करने के लिए तेरे ऊपर तेरे स्वजन भी हो अपने लोग भी हो तेरे ऊपर प्राण संकट भी आ जाए तो इस कवच को किसी को मत देना, मृत्यु भी प्राप्त हो तो इसको इस कवच को किसी को मत देना, ऐसा गोपिकाओं को राधा कहती है। तो मैं भी आपको ये कहता हूँ कि यह जो आप धारण करेंगे आपके जीवन का सौभाग्य है कि ऐसी साधना आपके गुरु को द्वारा मिल रही है, परमेश्वर स्वामी की कृपा से आपको यह साधना मिल रही है। इस प्राण भी जाए तो इस कवच को किसी को नहीं देना, आप धारण करते रहेंगे आप संपत्ति और ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकेंगे। मैं आपको पहली बार मंत्र बोल रहा हूँ, इसके लिए इससे पहले कि गुरु अर्चना करनी चाहिए आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे बैठे एक बात मैं बोल देता हूँ। अरे यार सभी कुछ मैं देता हूँ, कभी कभी फल फूल भी आपके पास रख लिया करो। जब यंत्र माला आपके पास हो तो सारी चीजें गुरु ही आपके मुख में ग्रास बनकर डाले जीर्ण करना आपका काम है। इतना तो करते हुए आ ही रहा हूँ फिर भी गुरु की अर्चना करनी चाहिए। गुरु का मानसिक पूजन अभी उदय महाराज बनाएंगे, कम से कम मानसिक पूजन करो उसके बाद ये साधना आरंभ करेंगे। क्योंकि श्री कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा गया है, कृष्ण के जगत गुरु है कृष्ण, तो उनकी ही उसी रूप में हमारे स्वामी श्री स्वामी जी भी हमारे लिए कृष्ण है और जगत गुरु है। उनकी मानसोपचार पूजा हम पहले संपन्न करेंगे, मानसोपचार गुरु की अर्चना के बाद ये साधना आरंभ करेंगे। मानसोपचार पूजा सभी लोग हाथ जोड़े मन में भावना करते रहे, हम समर्पित कर रहे हैं सभी वस्तुएं गुरुओं को, जिस प्रकार हम पंचोपचार पूजन कर रहे हैं उस प्रकार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्षणम् एकं नित्यं जगन्मतनं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। ओं भूर्भुवस्वः श्री सद्गुरु स्वामी गणेशानंदाय नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्री सद्गुरुवे नमः। लं पृथ्वी तत्त्वात्मकं गन्धं परिकल्पयामि, हं आकाश तत्त्वात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि, यं वायु तत्त्वात्मकं भूमं परिकल्पयामि, रं मह्नि तत्त्वात्मकं दीपं परिकल्पयामि, वं अमृत तत्त्वात्मकं नैवेद्यं परिकल्पयामि, सं सर्व तत्त्वात्मकं ताम्बूलादि सर्वोपचारान् परिकल्पयामि। ग्यारह बार गुरु मंत्र जब बोल लो कि हे प्रभु हम इसके सिवा मानसिक पूजा के लिए यहाँ कुछ भी नहीं लाए हैं, केवल गुरु मंत्र जब बोलते हुए आपकी पूजा संपन्न कर रहे हैं, इस बार ग्यारह बार गुरु मंत्र जब को बोल लो।
राधा जी की प्रार्थना पर कृष्ण भगवान ने यह साधना उनको समझाई थी। तो उसको पिताओं ने पूछा था कि प्रभु इस साधना का तत्व क्या है, तो कृष्ण ने कहा था कि ऐसा संसार में कोई देवता या कोई राक्षस या कोई ऐसा नहीं जो तुम पर कोई विजय प्राप्त कर सके। अब जब तुम्हारे में ये सारी चीज़ें हैं, न तुम्हारे ऊपर सारे की सारे कार्य में विजय उत्पन्न हो और कृष्ण तुम्हारे में अपने आप से कृष्ण तुम्हारे पर अगर विराजमान रहे तो इससे बड़ा इस संसार में क्या प्राप्त हो सकता है। हम पहले उस मंत्र को करेंगे विनियोग के लिए। आप केवल अपने हाथ को ऐसा रखना कि जैसे समर्पित संकल्प कर रहे हैं। सदाशिव ऋषि पंक्तिश्चंद्रहस्ते कृष्णो देवता सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। आप आपका आपकी इच्छा जो भी है वो बोल दो। केवल मंत्र जब छोटा है, एक गोपी जन का अर्थ होता है श्री रामचंद्र जी के। जब रामचंद्र जी वनवास से लौटे थे और जब वो वहाँ अयोध्या में आए और उन्होंने जब सभी जनों को पता चला, सभी लोगों को पता चला कि कृष्ण रामचंद्र जी ने लोगों के लिए जन कल्याणार्थ माता सीता को छोड़ दिया है, तो उनके आंखों में आंसू आए और उन्होंने पूछा कि प्रभु ये आपने क्या किया, लोक कल्याणार्थ इतना बड़ा त्याग आपने किया कि अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तो वो सब लोग रोते हुए कहने लगे जब रामचंद्र जी को ही सुख नहीं मिला तो हम भी उस सुख को क्यों प्राप्त करें। और अयोध्या में सारी पति पत्नियों ने निर्णय लिया कि आजकल हम भी उस सुख से वंचित हो जाएंगे। रामचंद्र जी के आंखों में आंसू आए और कहा कि अगला जन्म जब होगा मैं तुम सभी लोगों को वो प्रेम प्रदान करूंगा जिस प्रेम से तुम वंचित हो। और वही साधु सज्जन जो राम से प्रीति करते थे कृष्ण जन्म में गोपिकाएं हुई और वो गोपिकाओं ने कृष्ण के साथ वैसा ही प्रेम किया जो जिस प्रेम से वो सुख। और जो रामचंद्र अयोध्या के जीवन में वो उस प्रेम को प्राप्त नहीं करे, उस सुख को प्राप्त नहीं कर सके, कृष्ण जन्म उन्होंने उन सभी को प्राप्त किया। ऐसा ही मंत्र, इसलिए ये गोपीजन जो है वो उस संसार में रामचंद्र से भी प्रेम करने वाले थे और क्या के साथ जीवन जिए और इस संसार में सुख को प्राप्त करने वाले हैं। आप भी कोई कम नहीं है। किसी जन्म में आपने कृष्ण अपने गुरु का ऋण रखा होगा। आज आप इतने ही लोग यहाँ बैठे हैं तो गुरु जी उस ऋण से झुकाने के लिए आपको सुख प्रदान करने के लिए ही यहाँ बुलाए हैं। इसकी भावना रखते हुए इस मंत्र को आप भी संपन्न करें। मंत्र मेरे साथ तीन बार बोले, गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। आपको इस मंत्र को यहाँ बैठे बैठे पांच माला करना है, उसके बाद एक बार इस त्रैलोक्य विजय कवच को पढ़ना है। मैं उसका भी विनियोग बोल देता हूँ, त्रैलोक्य विजय कवचस्य प्रजापति ऋषि जगदीश्चंदः श्री राजराजेश्वरो देवता त्रैलोक्य विजय प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः। ये त्रैलोक्य का मतलब ये होता है कोई अपने अपने आगे कुछ नहीं। स्वर्ग का अर्थ होता है सवर्ग, अच्छाई का वर्ग जो हमारे में है उसे स्वर्ग कहा गया है। हमारे में ही स्वर्ग है, पृथ्वी लोक है। हम ये जो शरीर धत्व को प्राप्त किए हैं वो पृथ्वी लोक है। सहस्त्रार जिसकी जागृति हुई सवर्ग है, अच्छाई। स का मतलब होता है अच्छाई, उस सवर्ग को है। और पाताल का अर्थ होता है इस संसार में अपने आप को हम इतना न गिरा दें कि हमारे को जमीन में गाड़ना पड़े, गाड़ देना पड़े जिंदा रहते, ऐसा न होने के। इन तीन लोगों में विजय प्राप्त करना है। त्रैलोक विजय कहा गया है, त्रैलोक विजय कहीं दूसरे लोक है ऐसा अर्थ नहीं है। तुम्हारे शरीर में ही ये तीन लोक हैं और इनको विजय प्राप्त करने वाला ही मनुष्य सुखी कहलाया जाता है। इसलिए पांच माला जप करने के बाद आप त्रैलोक विजय कवच को एक बार पढ़ें। इस त्रैलोक विजय कवच का पाठ जरूर आप घर में जाने के बाद रोज इस सारी सामग्री को आपके सामने रख लेने के बाद आज ही आप उस कवच को धारण करें और बाकी सामग्री पूजा स्थान में रखें। 40 दिन तक इस माला के पांच माला जप और एक बार कवच का पाठ करें। 41वें दिन जो माला है आपके घर के लोगों को दे सकते हैं, उसमें गुटिका है वो भी आपके घर के लोगों को सकते हैं। और पृथ्वी की गुटिका जो रखी हुई है आपके धनकार के संबंधी जो पृथ्वी की सारी समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान आप घर बांधना हो, खेती का काम हो, पृथ्वी के काम हो, उस सभी को शुभ प्रदान करने वाले कह रहे हैं। तो इस सभी सारी सामग्री 3 साल तक आप अपने पास ही रखना है, माला के साथ आपके पास रखना है। आप इस माला को और इस कवच को 40 दिन तक ये साधना करके इस साधना सामग्री को आप
कवच को कोई एक घर का आदमी पहने, बाकी की जो गुटिका रखी हुई है उसको पूजा स्थान में रखें, माला को भी साथ में रखें, इसके साथ आप इस साधना को संपन्न करने वाले हो जाएंगे। और जब भी मैं कितनी भी दूर हूँ, आपको ऐसा दिन देखना नहीं पड़ेगा इन 3 सालों में कि मुझे इस संकट या इस कठिनाई के लिए गुरु के पास आना ही है। जहाँ भी बैठे हैं केवल गोपीचरण वल्लभ भाई स्वाहा का 5 बार मंत्र करेंगे तो आप स्वयं आपके अपने आप को सुखी अनुभव करेंगे, पैसों से धन युक्त, धनपन से वैभव युक्त, ऐश्वर्य युक्त अनुभव करेंगे। आप 5 बार मंत्र जप संपन्न करें और उसके बाद कवच का 1 बार पाठ करें। इसके बाद मैं यहाँ सामने आकर बैठूंगा, जिनको दीक्षा देते हुए मैंने सुबह गुटिका दी है वो गुटिकाएं आप मुझे प्रदान करेंगे, मैं आपको रक्षा दीक्षा प्रदान करूंगा। रक्षा की दीक्षा, जिसको रक्षा की घेरा करना नहीं है ऐसे लोग, अगर मैं यहाँ इस सभी साधना के लिए आपको केवल 20 मिनट का समय देता हूँ, 5 माला तो 10 मिनट में हो जाएगी और 1 बार कवच पाठ में 20 मिनट के बाद मैं आपको रक्षा उस गुटिकाओं को लेने के लिए यहाँ बुलाऊंगा और गुटिकाएं प्रदान करेंगे और उसके बाद आगे का कार्यक्रम समझाया जाएगा। सभी नहीं से पहले साधना संपन्न हो, गोपीजन वल्लभ भाई स्वाहा इस मंत्र का 5 माला जप मंत्र करें और 1 बार कवच का पाठ करें।